दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र उसरी पंचायत के उसरी घाट में जो है ये घटना घटी है। जो बच्चा है सुमन कुमार, उनका उम्र जो है 10 साल बताया जा रहा है। अभी कुछ लोग से भी हम बात किए हैं, वीडियो में आगे देखेंगे। उसके 11 बजे के लमसम में एक बच्चा जो है 10 साल का बताया जा रहा है इन लोगों के द्वारा कि जो कोसी नदी है जो उसरी घाट के सामने, उसरी गांव के सामने जो घाट है कुशेश्वर स्थान क्षेत्र में, वहां पे एक बच्चा जो है डूब गया। कैसे डूबा है अभी मैं बता देता हूं। कुछ बच्चा का जो साथी लोग जो रहते थे, साथ में नहाने के लिए आए थे, करीबन 7 या 8 लोग बच्चा थे जो साथ में यहाँ पर नहाने के लिए आए थे। इसी जगह पर देख सकते हैं जो नदी है काफ़ी ज़्यादा गति में बह रही है, इसको करंट काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि बाढ़ के समय में जो नदी का बहाव होता है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस समय बच्चे लोग जो है यहाँ पे नहाने के लिए आए हुए थे और नहाने के दरमियान करंट अधिक होने के कारण बच्चे जो है नदी में बह गए हैं। अभी तक जो है करीब 1 घंटा हो गया पर बच्चा का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। दो घंटा हो चुका है पर अभी तक बच्चा का कुछ भी पता नहीं चल पाया। और उस जो भी परिवार वाले लोग हैं या घर के आसपास के लोग, पूरा ग्रामीण पूरे आए हुए हैं, जितना हो सके उन लोगों के द्वारा पूरा छानबीन कर रहे हैं, नदी में घुस रहे हैं, जो जाल होता है बड़े जलकर होते हैं उसके माध्यम से लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम जो लोग हैं जो गांव के जो प्रमुख लोग होते हैं वो लोग भी आश्वासन के लिए आए हुए हैं और जितना हो सके उन लोग उनके ग्रामीण के द्वारा मदद दिया जा रहा है। कुछ लोग से भी हम यहाँ पर बात करेंगे पर एक चीज़ अभी तक प्रशासन जो 2 घंटा बीत चुकी है, नज़दीक में थाना कुशेश्वर स्थान थाना पड़ता है नज़दीक में, पर अभी तक प्रशासन का कोई भी व्यक्ति नहीं है, प्रशासन आया ही नहीं अभी तक। और SDRF का जो टीम होता है वो भी अभी तक नहीं आ रहा है कि सर्च करके उन्हें चाहे डूब गया हो कुछ भी हो या डेथ बॉडी हो उसको बाहर निकाला जाए। अभी तक ऐसा कुछ भी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ जितना ग्रामीण है, आप देख सकते हैं आप हमारे साथ कि जितना भी ग्रामीण है, तमाम जो लोग है यहाँ पे आए हुए हैं और जो डेथ बॉडी है अभी तक उसका पता नहीं चल पाया। बच्चा है जो उसका नाम क्या, सुमन नाम बताया जा रहा है। पिता का नाम बताएगा तो अंगद, और उनका पिता का नाम है अंगद। पूरा नाम बताइए ना। अंगद कुमार साफी जी। जो अब देखें इनके द्वारा जो है बताया गया है और कुछ भी लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। बोलिए अपना नाम बताइएगा। तो मेरा नाम श्याम नंदन। अच्छा कितना बजे घटना घटी है? 1 घंटा पूर्व पहले। हाँ 11 बजे लमसम में। हाँ अच्छा क्या मतलब कैसे घटा था घटना? वो बच्चा यहाँ पर खेलने कूदने के दौरान नहाने के लिए आया, बस 4-5 बच्चे मिल करके नहा रहा था, वही बच्चा नीचे ढुलक गया। अच्छा नदी में अभी कितना पानी होगा यहाँ पे? नदी में तो करीब 20 फीट लगभग होगा और करंट काफ़ी ज़्यादा है, बहाव ज़्यादा है। तो ये जो कपड़ा देख रहे हैं कि वही लड़का जो सुमन कुमार है उन्हीं का ये गंजी और पेंट है, दोनों हाफ पेंट और गंजी जो है उन्हीं का कपड़ा है क्योंकि कपड़ा खोल के लोग नहाने गए हुए थे। नहाने के दरमियान जो पानी में नदी का जो बहाव है, करंट है काफ़ी ज़्यादा होने के कारण उसे खींच लिया गया और उनका अभी तक जो है पता नहीं चल पाया है। और ना ही SDRF का टीम भी अभी तक नहीं पहुँचा है, जो 2 घंटा से भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हो गया है पर अभी तक वो लोग आए हुए नहीं है। और जो भी तमाम खबर है यहाँ से मैं आपको अपडेट देता रहा। और भी कुछ लोग से हम बात करते हैं उनका, जैसे कि देख सकते हैं जो सुमन कुमार है जो 10 साल का लड़का है उनका ये पिताजी है, इनका हाल देख रहे हैं कि जो है काफ़ी ज़्यादा दुखद का घटना का भी जो है दुखद का समय है। और जो भी ग्रामीण है इसको आश्वासन के लिए आए हुए हैं और थोड़ा दूर पर जाएंगे उसकी वो मम्मी है आप देख सकते हैं और जो सुमन का पिताजी है आप देख सकते हैं। इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा रो रो कर बुरा हाल है, अगर हम लोग यहाँ पर रहेंगे तो ये लोग और भी रो सकते हैं, पर जो ग्रामीण है ये लोग सब सहयोग करने के लिए आए हुए हैं और जो आश्वासन होते हैं ग्रामीण की तरफ से वो इन लोगों दे रहे हैं ग्रामीण की तरफ से। जो भी यहाँ पे तमाम खबरें हैं हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। उसके बाद जो है आपको हम पहले भी आज से 3 या 4 दिन पहले बता दिए थे एक वीडियो में कि बाढ़ का समय है, कि यहाँ पे जो कुशेश्वर स्थान क्षेत्र है बाढ़ इलाका क्षेत्र है क्योंकि इसे जो है बाढ़ का राजधानी भी हम कह सकते हैं। कि तमाम जो खबर है अब तक हम पहले ही पहुँचाए थे कि ऐसा घटना हमें देखने को आगे मिलेगा और ठीक 3 दिन बाद ऐसा घटना घट चुकी है क्योंकि 3 दिन पहले हमने बता दिया था कि तमाम जो भी क्षेत्र में आते हैं जितना भी लोग, हमने वीडियो में बता दिया था कि बाढ़ जो है काफ़ी ज़्यादा आने वाली है और अभी उतना बाढ़ भी नहीं है क्योंकि 2 दिन से पानी जो है घटा है यहाँ पर कमा है, फिर भी ऐसा घटना घट चुकी है।
तो जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं वो अपने घर में जो भी आपका बच्चा हो उसको अच्छे सुरक्षित रखिए, क्योंकि जहाँ भी बाढ़ क्षेत्र इलाका है वहाँ जहाँ भी पानी आता उस क्षेत्र में उन्हें मत जाने दी, नहीं तो ऐसा घटना और भी हमें आगे में देखने को मिल सकता। उसके बाद ये जो नदी है, मैं आपको याद दिला दूँ, गत साल पिछले साल जो नाव दुर्घटना घटी थी यहाँ से करीबन 2 या 1.5 किलोमीटर दक्षिण साइड में जो है वो घटना घटी थी। पिछले साल यही नदी है जिसमें एक नाव जो है डूबी थी, नाव का जो घटना घटी थी वो यही नदी में घटा था। यहाँ से 3 से 2.5 किलोमीटर दक्षिण साइड में घटना घटी थी, जो कोनिया गांव का जो घटना थी, और वहाँ पे जो है दो लोग जो थे, अभी मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, वो एक का डेथ बॉडी मिला था करीबन 3 दिन बाद उनका डेथ बॉडी मिला था, एक का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था। जो 12 लोग टोटल डूबे थे जिसमें से 10 लोग तैर के बाहर आ चुके थे, जो भी वहाँ पे उस जगह पे लोग थे वो लोग बचा लिए थे, पर दो जो लड़का थे उन्हें नहीं बचा पाया था, जिसमें से 2 लोग डूब गए थे। तो वही नदी है ये, आपको मैं याद दिला दूँ फिर से कि पिछले साल भी ऐसा ही घटना घटी थी, नाव का जो दुर्घटना घटी थी यही नदी है। फिर भी जो है यहाँ के लोग है समझने को तैयार नहीं होते, अपने बच्चे को जो है ढंग से रखते नहीं है घर में, क्योंकि बाढ़ का समय है, अगर वो बाहर में आते कुछ भी हो सकता है आपके साथ में। तो हम यही आपसे अनुरोध करेंगे कि अपने बच्चों को जो है ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि बाढ़ क्षेत्र हमारा इलाका है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो यहाँ का खबर है हम आप तक हमेशा पहुँचाते रहे हैं और अभी भी पहुँचाएंगे, जैसे ही अगर कुछ पता चलता है तो भी आपको हम अपडेट देते रहेंगे शाम तक। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको हम आगे का वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और पता चलेगा कि क्या घटना घटी है।